नमस्कार, मैं सीमा कौशिक नारियल के बगैर घी तेल के मोदक बताने वाली हूँ। ये रेसिपी हमसे कीर्ति जी ने मांगी है, जो कि उन्होंने कहा था कि आप हमें बगैर घी तेल की रेसिपी बताइए। आइए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। मैंने ये 6 प्याले नारियल का बुरादा लिए हैं, 5 इसमें हैं, छठा इसमें। इसके पीछे मैंने इसी नाप के प्याले के मैंने 1.5 प्याला चीनी लिया है, 1 और ये आधा, और 1 गिलास दूध लिए हैं जिसमें 250 ग्राम दूध है 1 गिलास में। कुछ इलायची ली है और नारियल का बुरादा इस पैकेट में का लिया है मैंने, जो पैकेट में आते हैं वो लिया है मैंने, क्योंकि इसमें जो तेल होता है वो निकला हुआ आता है और ये इसके मोदक अच्छे बनते हैं, इसलिए इस तरह का बुरादा आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। तो आप इस तरह का बुरादा ला के मोदक बना सकते हैं। कढ़ाई गैस पर रख दी है, इसमें दूध डाल देंगे और गैस को चालू कर देंगे। अभी इसमें चीनी डाल देंगे और अच्छे से हिलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। चीनी अच्छे से घुल गई है। चीनी घुलने के बाद में मैंने 5 मिनट और पकाया है अच्छे से। उसके बाद में गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया है। इसके बाद में नारियल का बुरादा डालेंगे। गैस में चलते हुए में नहीं डालते, क्योंकि फिर नारियल में जो खुशबू अलग हो जाती है वो पसंद नहीं आती। इस तरह से बनाते हैं तो हमारे मोदक अच्छे बनेंगे। चालू गैस पे हमें बुरादा नहीं डालना है, कढ़ाई को नीचे उतार लेना है, फिर ही बुरादा डालना है। इलायची के दाने हैं जो मैंने कूट के निकाल लिए हैं, वो भी डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए बराबर से। इस तरह से भुरभुरा अगर हो जाए तो थोड़ा सा हम दूध डाल लेंगे, गर्म दूध है मेरा, वो डाल लेंगे, फिर मिला लेंगे। दूध ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालना है, अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में हाथों में पानी लगाएंगे, इस तरह लेके थोड़ा दबा लेंगे अच्छे से। आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद में उंगलियों की सहायता से इस तरह आकार देंगे मोदक का। ये देखिए, बाकी भी इसी तरह पानी लगाएंगे, हाथ में लेंगे और इस तरह थोड़ा दबाएंगे अच्छे से। फिर उंगलियों की सहायता से इस तरह मोदक का आकार दे देंगे। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़ा साइज कर सकते हैं। जैसे मैंने मोदक तैयार कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।